तो कैसे आप सब, और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज का वीडियो होने वाला है एक पार्सल की अनबॉक्सिंग। काफी दिनों के बाद एक बेब्लेड का लॉट आया है मेरे पास, तो चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके। और इसमें सब मिक्स्ड टाइप के बेब्लेड्स है, तो इसमें बर्स्ट बर्स्ट नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें शायद से एक्स है और कुछ 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 बेब्लेड्स है। तो यहाँ पे बहुत सारी टेपिंग है। कटेगा क्या यार आजकल YouTube पे काफी, मतलब हाँ मेरा कंटेंट भी कम है, ऑब्वियसली मैं कंटेंट कम डाल रहा हूँ, लेकिन YouTube पे जो ओवरऑल व्यूज आते हैं पर वीडियो वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली लो हो रहे हैं। और ये चीज मैंने खाली मेरे चैनल पे नोटिस नहीं की है, ये चीज काफी सारे चैनल्स पे मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो वो चीज बहुत डेंजरस सी है। तो मेरे को यार वो चीज़ का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं डाइवर्सिफाई करूँ और दूसरे चीज़ें भी चालू करूँ यूट्यूब पे। तो यहाँ पे और बॉक्स में कुछ नहीं है, और ये है हमारा बेबलेट का लॉट। तो हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि यूट्यूब पे बेबलेट कंटेंट करते रहना ओनली, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, तो हम इसको चेंज करके अलग अलग कंटेंट्स में भी लेके आएंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं इस छोटे से लॉट में हमें क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहला बेबलेट है हेल साइथ। तो हेल साइथ अगर आपको पता रहेगा तो एक बेबलेट एक्स बेबलेट है, ये वन ऑफ द लाइक डिसेंट स्ट्रॉन्ग बेबलेट्स है। ये आप स्टॉक में भी अगर यूज करोगे तो आप काफी टूर्नामेंट जीत सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक गैलेक्सी पेगेसस है, ये गैलेक्सी पेगासस स्टॉक कॉम्बो के साथ आ रहा है, और यहाँ पे ये रबर टिप का कंडीशन ठीक है, बुरा नहीं है बट एकदम अच्छा भी नहीं बोल सकता। यहाँ पे हमारे पास है एक प्री हाइब्रिड कैंसर वेबलेट, और इसके ऊपर एक फेक परफॉर्मेंस टिप है, मेटल सेमाई फ्लैट। तो हाँ गाइज पता नहीं अभी ये फेक क्यों है बट हाँ है। और इसके बाद हमारे पास है प्री हाइब्रिड पेगेसस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी बहुत बुरे कंडीशन में है एक्चुअली, इतना अच्छा कंडीशन नहीं है इसका बट हाँ ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, ये मेरे हिसाब से कैप्री कॉर्न है। हाँ ये कैप्री कॉर्न है, प्री हाइब्रिड बेसिकली शायद से प्री हाइब्रिड वेबलेट्स है इसमें, कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पे भी एक फेक परफॉर्मेंस टिप है। ये वो 250 वाले लॉट्स में से आने वाले बेबलेट्स की टिप है बट हाँ वो काम अच्छा करते हैं, एक्चुअली अच्छा काम करते हैं वो सरप्राइजिंगली बट हाँ। उसके बाद हमारे पास एक वुल्फ है, ये प्री हाइब्रिड वुल्फ है, और ये टिप पता नहीं कौन सा है, ये सेमाई फ्लैट एस एफ है, एस एफ सेमाई फ्लैट, और यहाँ पे मेटल कस्टम फेस बोल्ट है, तो इसका जो इंटरनल पार्ट है वो प्लास्टिक है और एक्सटर्नल रिंग है जो मेटल है, तो ये आउटवर्ड वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में आता है, मतलब ओवरऑल जो भी कंपटिटिव जाते रहेंगे उनके लिए। वो तो अभी इंडिया में डेड चुका है, हो चुका है वो चीज़ें बट हाँ। ये है बुल, प्री हाइब्रिड बुल यहाँ पे है, ये भी ठीक ठाक कंडीशन में, अगर इनको पॉलिश वॉलिश करेंगे तो शायद कुछ काम बन सकता है। नहीं वो प्री हाइब्रिड बुल नहीं है, ये प्री हाइब्रिड बुल है क्या, नहीं 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 एक सेकेंड, नहीं नहीं ये हॉरोस्कोप, एक सेकेंड, क्योंकि बुल तो ये है मेरे हिसाब से कि ये जेमियोस है, नहीं ये बुल है बराबर, ये बुल है और ये जेमियोस है, प्री हाइब्रिड जेमियोस। तो कहीं ये प्री हाइब्रिड बेबलेट्स का लॉट है। एक वो ये बेबलेट को हम कैसे भूल सकते हैं, डार्क वुल्फ, ये हमेशा से एक बकवास बेबलेट रहा है, लेकिन हर एक लॉट में इसका एक कॉपी होना ये मतलब मैंडेटरी होता है। और हमारे पास है यहाँ पे एक प्री हाइब्रिड एक्वेरियो जो भी स्टॉक कॉम्बो के साथ है बट टिप की बहुत गंदी हालत है। तो इसी के बाद गाइस ये अनबॉक्सिंग खत्म होती है, चलिए एक बैटल करते हैं इनके साथ और देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो गाइस चलिए बैटल शुरू करते हैं, पहला बैटल चलो बुल वर्सेस जेमियोस करके देखते हैं। 3 2 1 हो जाए शुरू।
अरे बाप रे, क्या रिकॉइल है। तो गाइस बुल यहाँ पे जीत गया है। नेक्स्ट बैटल करके देखते हैं। ये कैंसर वर्सेस बुल, 3-2-1 हो जाए शुरू। क्या बात, गाइस बुल एक और बैटल जीत गया है। मेरे हिसाब से बुल इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऐसा मुझे लगता है। एक बार कैंसर क्या करके देखते हैं। 3-2-1 हो जाए शुरू। क्या पता कौन जीतेगा इसमें। इसका जो आवाज है वो कुछ अलग ही है, पता नहीं क्या आवाज, कुछ अलग ही आवाज है। ओह गाइस कैंसर यहाँ पे जीत जाता तो बुल बाहर हो गया। अब हमारे पास है ये, कौन है, ये वुल्फ, वुल्फ वर्सेस कैंसर। 3-2-1 होता है इसमें। ओ अगर ये आडवा लॉन्च करेंगे तो फिर अटैक में नहीं जाता है। वाह आवाज मस्त है, छोटा सा मिनी टूर्नामेंट हो गया ये तो। नॉकआउट टूर्नामेंट, इंस्टेंट नॉकआउट। कैंसर वापस जीत जाता है। और इसके बाद हमारे पास है डार्क वुल्फ। 3-2-1 हो जाए शुरू। मुझे नहीं लगता कैंसर यहाँ पे हारेगा ऑब्वियसली। क्या अगर आपके पास कोई सजेशन रहेंगे कि बेबलेट छोड़ के और भी मैं ये चैनल पे क्या कर सकता हूँ, मतलब आपको क्या देखना पसंद आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में वैसे बता दो। जैसे कि मैं काफ़ी सारे एनीमे देखता हूँ तो मैं एनीमे रिव्यूज़ कर सकता हूँ, उसके बाद मैं आपको सजेशंस दे सकता हूँ शॉर्ट्स में, या फिर आप अगर कुछ अलग देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बेबलेट बंद करने वाला हूँ, लेकिन अगर कुछ अच्छा प्रोडक्टिव सर्च मतलब आप सजेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली वेलकम होगा। 3-2-1 हो जाए शुरू। अभी एक्वेरियो, एक्वेरियो खुल गया है क्या, पता नहीं। अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को सच्ची में लाइक ओवरऑल एक टाइम पे बेबलेट का क्रेज था और व्यूज थे। अभी आप देखोगे तो सबके व्यूज ड्रॉप हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर वन चैनल, और वो है लेफ्ट बर्स्ट। अगर आप में से कोई उसको फॉलो करता है तो लेफ्ट बर्स्ट के व्यूज डिक्रीज नहीं हो रहे, वो आज भी 35-40K के इसमें बना हुआ है। अभी मुझे नहीं पता वो क्यों, बट वो है, वो चीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने का ऐसा है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो। 3-2-1 हो जाए शुरू। ओह पेगासस अटैक ही नहीं कर पा रहा है। ये कैसा पेगासस है भाई, स्टैमिना पेगासस, पता नहीं, ये वो टिप्स पूरे घिस चुके हैं इसकी वजह से ऐसा है। बहुत डैमेज पड़ा है टिप्स पे, वो पेगासस अटैक नहीं करेगा। अब ये गैलेक्सी कर सकता है, गैलेक्सी वाला जो है वो कर लेगा अटैक, बट ये वाला जो है उसको बहुत ज़्यादा टिप पे डैमेज पड़ा है। जैसे कि मैं कह रहा था, अगर आपके पास कोई अच्छे सजेशंस है तो डेफिनेटली वेलकम। बेबलेट को छोड़ के मतलब वीक में मैं थोड़े दिन बेबलेट के वीडियोस डेफिनेटली डालूंगा, बट मैं और भी कुछ करूंगा ये चैनल पे, अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो। 3-2-1 हो जाए शुरू। ये कर रहा है, ओ
ये गाइस ड्रॉ हो गया, तो एक और बार करके देखते हैं इसमें। 3-2-1 हो जाए शुरू। ठीक अच्छी कोशिश नॉकआउट की और लेकिन नहीं। हाँ, इसी के साथ गाइस कैंसर हमारा जीत जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।